सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुपानी। यहाँ बैठे सभी गणमान्य अतिथियों और आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु श्री राम और माता सीता को मेरा शत शत नमन। सर्वप्रथम तो यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए तथा अपनी बाल्मीकि रामायण प्रस्तुत करने के लिए मुझे इस योग के आप सभी ने समझा, उसके लिए मेरे हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद। देखिए, मेरा यह मानना है और आप सभी से भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि रामायण को मात्र हमारे धार्मिक ग्रंथ ना समझे, वह हमारे धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ हमारे जीवन का एक मोटिवेशनल मैनुअल भी है। बिकॉज जो मैं मानता हूँ दैट रामायण वॉज द मोस्ट पावरफुल बायोग्राफी ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट, दैट वॉज प्रभु श्री राम। जैसा कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और अभी हमने सर को भी सुना कि रामायण को अनंत कालों से अनंत कवियों द्वारा अपने अपने रूप में लिखा गया है। तो आज मैं अपनी स्वरचित बाल्मीकि रामायण, जो रामायण का 250 छंदों में एक संक्षिप्त रूप है, जिसके लिए मुझे माननीय मोदी जी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और जिसके लिए मैंने उनसे वार्तालाप किया, आज मैं उसी के कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह जो पहले दो अध्याय है, राम जन्म और सीता मिलन, उनके छंद रहेंगे। इनमें सर्वप्रथम तो मैं माता सरस्वती और गणेश जी को वंदन करके इक्ष्वाकु वंश तथा राजा दशरथ की थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा तथा कैसे प्रभु ने उनके घर जन्म लिया, कैसे उनकी शिक्षा पूर्ण हुई और कैसे महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वह वन में गए तथा कैसे उन्होंने सीता स्वयंवर के लिए प्रस्थान किया, उसकी कथा आगे के छंदों में सम्मिलित होगी। तो वह छंद ऐसे है, नमन करूं भगवान गणेश, हरो हमारे सारे कलेश, और वीणा वादनी को प्रणाम, दे दो माँ विद्या वरदान। शुरू करें कथा रामायण की, परम सुखदायिनी कथा श्री हरि की, कथा है यह अवधपुरी की, पावन धरती इक्ष्वाकु वंश की। राज किए जहां दशरथ धर्मात्मा, जिनके घर जन्मे परमात्मा, ऋषियों संत दशरथ धर्मज्ञ, करे पुत्र का मेष्टि यज्ञ, देवनान किए विनती जब, हर जन्मे मां धरती पर तब, दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया। और अब आप सभी का गौर चाहूंगा कि अवधराज के चार गुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चार कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। हुआ जब यज्ञों पर संस्कार, भिक्षाम दे ही कहे सारे कुमार, चार कुमार गुरुकुल जाए, गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाए, शस्त्र शास्त्र अध्यात्म विज्ञान, सबका लिया प्रभु ने ज्ञान, तथा शिक्षा प्राप्ति के उपरांत, अयोध्या लौटे दशरथ के प्राण। तब विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ खुशी से फूले ना समाये, दे दो मुझे राम मुनिवर तहाय, जो संतों को असुरों से बचाए, पर दशरथ को भय सताए, तब श्री वशिष्ठ उनको समझाए, श्री राम मुनि श्रेष्ठ समझाए, साथ में लखन लाल की आए, वन में जाए तार का विदारे, ऋषियों के वहां दुख निवारे, विश्वामित्र को प्रस्ताव खाया, जनक ने जनकपुरी को बुलाया, संग में राम लखन को लिए, सीता स्वयंवर को मुनि चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरे लिए रामायण के क्षण थे, उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। जय श्री राम। जिस प्रकार संगीत शब्द